अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगने पर विवाद हो गया है। अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने एएमयू के वीसी से कैंपस में लगी जिन्ना की तस्वीर हटाने की मांग की है। एएमयू के छात्र संघ हॉल में जिन्ना की तस्वीर लगी है, जिस पर विवाद हो रहा है। छात्र संघ अध्यक्ष का दावा है कि आजादी से पहले ही जिन्ना की तस्वीर लगी है, इस पर अब विरोध क्यों हो रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के संस्थापक थे, उन्हें बंटवारे का जिम्मेदार माना जाता है। 1938 में मोहम्मद जिन्ना ने एएमयू छात्र संघ की आजीवन सदस्यता ली थी, इसलिए उनकी तस्वीर वहां लगी है। सांसद ने वीसी को पत्र लिखा और पूछा जिन्ना की तस्वीर लगाने की क्या मजबूरी है। जहां तक जिन्ना की बात है तो 1938 में प्री पार्टीशन, आपको पता है पार्टीशन से पहले 1938 में वो यहां आए थे, तब भारत जाहिर है तकसीम नहीं हुई थी, तो उनको यहां यूनियन ने अपनी सदस्यता दी थी। पत्र उन्होंने वाइस चांसलर को लिखा, उनको लिखना चाहिए था यूनियन के पदाधिकारियों को। उनको यूनियन के पदाधिकारियों से डर लगता है, वो जानते हैं कि यूनियन के पदाधिकारी शेर हैं। उनका फोटो इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि 1938 में उस वक्त जो अनडिवाइडेड इंडिया था, उस टाइम पे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन थी, उसके पदाधिकारियों ने, ऑफिस बेयरर्स ने उन्हें स्टूडेंट यूनियन की ऑनरी लाइफ मेंबरशिप से नवाजा था। किस संदर्भ में उनकी फ़ोटो वहाँ लगी है इसको देखना पड़ेगा, और खामखा की आपत्ति करना भी उचित नहीं है, इतिहास खुद ही बोलता है। ये इतिहास के पन्ने फरोलने से जो भविष्य है उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस देश का बंटवारा किया है, वो बात बिल्कुल सही है, तो इसलिए जिन्ना का स्टैचू वहाँ नहीं होना चाहिए। अब वो सांसदों को भी लग रहा है कि अगली लोकसभा में आना मुश्किल है, तो हर हथकंडा अपनाया जा रहा है, उसमें जिन्ना भी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में है, वहाँ जिन्ना के तस्वीर का तो कोई औचित्य नहीं है। ज़्यादा अच्छा होगा, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए जमीन दी है, राजा महेंद्र सिंह, उनकी तस्वीर होती तो ज़्यादा उपयुक्त होता।